हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसे हम पपौड़ी की सब्जी भी कहते हैं। बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी इस सब्जी को मैंने बनाकर दिखाया है फ्रेंड। अगर आप भी इसे एक बार बना लेंगे तो हफ्ते में इसे आप एक बार जरूर बनाना पसंद करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व करें। ग्रेवी वाली चने की दाल की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है फ्रेंड, तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चने की दाल की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम चना दाल 3 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। अब इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। 2-3 हरी मिर्च इसमें कट कर देंगे। आधी टीस्पून में इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें साबुत जीरा भी ऐड कर सकते हैं। 15 से 16 इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस कर इस तरह पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से 1-2 मिनट अच्छे से मिलाकर फेंट लेना है। दाल पीसते वक्त मैंने पानी सिर्फ 2 टेबल स्पून यूज किया था। अगर आपको दाल सूखी लगे तभी आप ऐड करें। इस तरह से इसका पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसकी हम बढ़िया बना लेंगे। एक बर्तन में 200 ml पानी को गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैं इडली वाला स्टैंड यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर ये जाली वाली छन्नी वाला स्टैंड रख देंगे। इसके ऊपर हम वड़ी बनाकर तैयार करेंगे। वड़िया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट थैली का यूज किया। इसके अंदर बैटर को भर दिया और कैंची से इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे और इस तरह से वड़िया बनाते जाएंगे। ना ही आपको हाथ से बनाने का झंझट है, ना ही बार बार हाथ धोने का। बहुत ही आसानी से इस तरह से आप बना सकते। ये देखिए, अपनी पसंद की आप बड़ी या छोटी वड़ियां जिस तरह से पसंद हो आप बना ले। आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार इस चना दाल की वड़ी को बनाएं। बहुत ही आसानी से झटपट आपकी ये बनकर तैयार होगी। ये देखिए, काफी सारी वड़ियां मैंने बना ली हैं। अब इसे हम ढककर कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर वड़ियों को 5 मिनट भाप में पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, जो वड़ी है काफी अच्छे से भाप में पक चुकी है। एक मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जब ये ठंडी होगी तभी इसे हम निकालेंगे। ठंडी होने पर ये आसानी से निकल आती है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह से आप इसे ठंडा करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी वड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। परफेक्ट ये चने दाल की वड़ियां बनकर तैयार है। सारी वड़ियां बनाने के बाद मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को अच्छे से फ्राई करेंगे। जीरा जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करके इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम वड़ियां ऐड कर देंगे। सारी वड़ियां ऐड करके इसे भी अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह से नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। वड़ियों को मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट, ये देखिए सुनहरी रंग की जब हो गई है तब तक इसे मैंने फ्राई कर लिया। तो इसे आप लगातार चलाते हुए फ्राई कर ले। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ चने दाल की सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ml सरसों का तेल का यूज किया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें 3-4 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 3-4 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना। जब मसाले फ्राई हो जाएंगे तब इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ये देखिए यहाँ पर सुनहरी रंग की हो चुकी है। जब प्याज इस तरह से फ्राई हो जाएगी तब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसके बाद 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई को कवर करेंगे और टमाटर में तेल छूटने तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। ग्रेवी का टेस्टी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम दही लिया हुआ है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून से कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून से कम इसमें जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का पाउडर भी ऐड किया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुके, इन्हें हम दोबारा चलाएंगे। आपको फ्रेंड इस सब्जी को बनाने के लिए सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये टमाटर इस तरह से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें दही में तैयार किए मसाले हम ऐड करेंगे और इसी बर्तन से 1/2 कप पानी भी ऐड कर देंगे और मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मेरे आप बताए हुए तरीके से एक बार इस सब्जी को बनाएंगे तो हफ्ते में इसे एक बार जरूर बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें ऐड करें। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मसालों में अच्छा सा तेल छूटने तक फ्राई करेंगे। ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, मसालों को एकदम धीमी धीमी मैंने आंच में फ्राई किया है। ये देखिए, मसाले काफी अच्छे से भुंजे हुए, तो इस तरह से मसालों का कलर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा आया हुआ है।
तो आपको भी इसी तरह से मसालों की भुंजाई अच्छे से करनी, एकदम दानेदार या टेस्टी मसाला भुंजकर तैयार हुआ है। आप इससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी चने दाल की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई को बिना कवर किए मसालों को मैं मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और फ्राई कर लूंगी, इससे मसाले और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएंगे। मसाले फ्राई हो चुके ग्रेवी बनाने के लिए, अब इसमें ऐड कर देंगे 300 ml पानी। पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करें। ग्रेवी में उबाल आ चुका, इसे हम दोबारा चलाएंगे। ग्रेवी आप अपनी सब्जी के हिसाब से बनाएं, जितनी आप सब्जी बना रहे उसके हिसाब से ही आप ग्रेवी रखें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सारी वड़ियाँ ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए वड़ियाँ ऐड करते ये सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी हो गई है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसी स्टेज पर 2-3 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी चने की दाल की सब्जी की रेसिपी फ्रेंड में आपको दे रही हूँ, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। सभी को आपकी चने दाल की सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। ग्रेवी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करी है, क्योंकि पकने के बाद भी ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। देखिए इतनी मैंने ग्रेवी रखी हुई है, आप इससे चावल रोटी आराम से खा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इसे यहाँ नहीं पकाएंगे। सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के घर का बनाया हुआ 1/2 टीस्पून से कम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। घर का गरम मसाला जो होता है उसमें टेस्ट और खुशबू दोनों अच्छे आते हैं, तो आप घर पर ही बनाकर ऐड करें तो आपकी जो ग्रेवी है और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फिर इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम पर चने दाल की टेस्टी और हेल्दी ये सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से रोटी पूड़ी पराठे चावल जिसके साथ भी खाना चाहे आप इसे खाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।